बागपत जनपद के चंदावल गांव का एक मामला है। सामने ग्राम समाज की जमीन पर गांव के दबंग कर रहे कब्जा पुलिस प्रशासन के शासन के सामने ही ग्राम प्रधान को दे रहे जान से मारने की धमकी और ग्राम प्रधान का सोशल मीडिया पर वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा। बता दें कि वो माफिया कर रहे सरकारी जमीन पर कब्जा यूपी सरकार के आदेश को बागपत पुलिस के सामने ही कर रहे हैं। देखा वो माफिया ने बड़ा खेल रचा, अवैध कब्जा कर मकान बना रहे वो माफिया जैसा बागपत में ही नहीं रहा वो माफिया पुलिस प्रशासन का खौफ वही पुलिस के सामने दे रहे ग्राम प्रधान को जान से मारने की धमकी और धक्का मुक्की उनके साथ कर रहे कुछ दबंग लोगों पर अभी तक नहीं हुई कोई कानूनी कार्रवाई। ग्राम प्रधान ने जब अवैध कब्जे को रोकने का कोशिश की तो ग्राम प्रधान पर ही बना रहे झूठे आरोप। अब बागपत जनपद के आला अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। वही बता दें ग्राम प्रधान का कहना है कि ग्राम के कुछ दबंग अपनी दबंगई करने से बाज नहीं आ रहे उनकी जमीन पर। बता दें कि मोहन सिंह व गौरव अन्य लोगों ने धक्का मुक्की की। टाइम देखिए न्यूज के लिए वीरेंद्र तोमर बागपत। नाम मोहन सिंह है, ग्राम प्रधान चंदन से हूँ। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए आपके एक वीडियो वायरल है, पुलिस की कस्टडी में धक्के मुक्के दिए जा रहे हैं। सर हमारे यहाँ मंदिर के बराबर में ग्राम पंचायत की जमीन पड़ी, उस जमीन पे अवैध कब्जा किया जा रहा था। मोहन सिंह प्रेम सिंह के बच्चे रविंदर शिक्षा मित्र और गौरव वरुण सनो महेंद्र सिंह, मैंने इन्हें अवैध कब्जा करने तो रोका। 100 नंबर पुलिस को फ़ोन करा तो 100 नंबर जब वहाँ आ गई तो 100 नंबर ने मुझे बुला लिया, प्रधान जी यहाँ आ जाओ मौका करवाओ एक बार कैसा है। मैंने वहाँ मौके पर जाकर मौका स्थिति बताई उन्हें, तो इन्होंने मेरी गल बदतमीजी करी मोर सिंह प्रेम सिंह के भतीजों ने। तो मैंने पुलिस कस्टडी में होते हुए जबकि पुलिस वहीं है मौके पर ही, और पुलिस के सामने पुलिस ने चलो बीच बचाओ करके मुझे कह दिया तुम प्रधान जी अगड़ा बोझो, उनके सामने बदतमीजी कर रहे गाली गलौच और गोली मारने की थ्रेड दे रहे, आज के बाद इस जमीन में बढ़ना चाहिए आन के। हमें प्रधान बनने का लाभ क्या होगा जब हम अवैध कब्जों को भी नहीं रोकेंगे और पुलिस जो है उल्टा जो है विपक्ष का जो है साथ देगी प्रधान बनाने को, मना कर दो सरकार। पुलिस ने चौकी इंचार्ज ने क्या किया? चौकी इंचार्ज वहीं मौके पर रहा, मौके पर जाकर चौकी इंचार्ज ने कहा भाई तुम रिपोर्ट लिखवाओ, तो रिपोर्ट और हमारी विपक्ष ने जो है हमारे नाम लिखवा दी। जनार्दन ने उनसे पैसे ले लिए जिस पर कब्जा करवा रहा, जिसे हम कब्जे को रोक रहे उन्हीं पार्टी से पैसे लेकर हमारे खिलाफ़ मुकदमा कर दिया, जबकि हमारे पास उसकी वीडियो भी है और ऑडियो भी है मिस्त्री की, जो मिस्त्री काम कर रहा था वहाँ, दोनों चीज़ है। तो ये जनार्दन ने जब करा तो जब हम पता लगा भाई तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा हो गया, मैं सीओ साहब के यहाँ गया, सीओ साहब को मैंने एक एप्लीकेशन दी, उस पर सीओ साहब ने कहा मैं इसकी जाँच कराऊँगा। जाँच कराने के बावजूद भी कोतवाल साहब को कही मैंने अपने थाना प्रभारी को, उन्होंने कहा उनको ठीक है, मैंने वो वीडियो दिखाई तो कोतवाल साहब ने जनार्दन को कहा भाई इसमें जो FIR लगा गलत है झूठा मुकदमा, तो इसने उस मुकदमे में FIR नहीं लगा रहा। आज लो क्या पैसे ले लिए? पैसे लेकर उनसे उनकी सपोर्ट कर रहा पूरी, पैसे लेने लिए तो काम ही नहीं करने का। एक खनन में 50,000 रुपये ले लिए इनने उनसे, वो 50,000 रुपये लेने थे, इसकी लीड बन गई फिर वहाँ। क्या लगा भाई जब ये पैसे कमा रहे तो ये ठीक आदमी, गलत को ठीक बता रहा, ठीक को गलत बता रहा, तो पुलिस प्रशासन ही भ्रष्ट हो लिया। क्या खनन कराने के पैसे लिए किसी से? इसने पैसे लिए, वहीं बराबर में खनन हो रही थी, वो हमारे गांव के लड़के ने एक प्लॉट लिया सड़क पे, उसे जनार्दन को 50,000 रुपये देकर वो भराव करवाया इसने वहाँ, उस टाइम तो ये इसके अलावा लगा। खनन के प्रति तो जिला प्रशासन बहुत टाइट है। हमने पटवारी को शिकायत करी, पटवारी फोटो भी ले गया खींच के ट्रैक्टरों के, पटवारी ने भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी खनन के मामले में। हमने एक दो बार बुझी तो कह दिया मैंने, वो कागज़ बना के भेज दिए, जैसे भी अर्जना जुर्माना होगा वो कोर्ट करेगी। अच्छा मुख्यमंत्री जी जो है प्रधानों की मीटिंग लेते हैं तो प्रधान इसलिए बनाए जाते हैं गांव के प्रतिनिधि हैं, और आपका जो है पुलिस आपको साथ नहीं दे रही, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस साथ नहीं दे रही, प्रधान का बनाना तो बेकार हो गया, पर सरकार को तो मना कर देनी चाहिए प्रधानों को, प्रधानों की कहीं बात में जानी नहीं है, प्रधानों की बात को झूठी मान रहे हैं ये लोग, प्रशासन पर इतना दबाव नहीं है। मुख्यमंत्री साहब का भी जो गलत है झूठा है तो उस पर जो है उल्टा कार्रवाई करी जा, उल्टी कार्रवाई करती नहीं पुलिस उन पर। बरनावा चौकी ने कोई कार्रवाई नहीं करी हमारे पक्ष में, हमारे खिलाफ में ही करी। अब लोग जो है कोतवाल साहब भी कह के छक लिए, सीओ साहब को भी कह के छक लिए, FIR नहीं लगा के दे रहा इस पर मुकदमे पर, झूठा मुकदमा कायम कराते इसने हमारे खिलाफ। मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री जी को पोर्टल पर मैंने शिकायत करी थी अभी, उसके उस पर आगे इनके पास आदेश आया तो उसमें जो है एसओ साहब ने कही उनको उसमें FIR लगवा देंगे। अब लोग कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें।